आई तरी समय के गीत हो जाए थे जौना उपलक्ष में हम आप लोग आए हैं, बड़ा उपलक्ष गीत हो जाओ। कैसे मास्टर से गीत लागे थे हो? लेकिन हमार कहानी शुरुआत होत बा राजा जनक जी, सीता जी सयानी हो गई ले, शादी करे के बाद लेकिन राजा जनक जी एक काम कैलन, धनुष के रख दिया कि जे धनुष के उठाई और वही लड़का से ब्याह सीता जी का होई। तो भइल का भैया, अरे राजा जनक जी के पाई के देशवा किया रख लेना, ओ किया रख लेना, देश देश के राजा नवा किया रख लेना। राजा महाराजा लोगन के भीड़ लग गई बा, राजा जनक जी अपन आदेश कलन की भैया जे धनुष के उठा दे वही से अपने लेकिन सीता के ब्याह हम कह दे। लोग अपन अपन जाके जोर अजमावत हो लेकिन धनुषिया तस सेमस ना होती है। एक आदमी और पहुंचल है, के पहुंचल भैया? अरे भूजा एक हजार अपने भाभी आके छोड़े आज हमारे कलीना। बारासुर भी पहुंचल हवन,
धनुष पर अजमावत हो लेकिन धनुष जस से मस ना हो गया। तो भाई का भैया भैया सब लोग अपन अपन जोर अजमावत है लेकिन केहू से धनुष उठत नहीं बा। जब धनुष ना उठत बा तो राजा जनक ही सोचत बोच हम ऐलनवे गलती के देली कहीं लड़का खोज के हम ब्याह कर दिल रहती तो बढ़िया भैल रही। लेकिन जो हम शर्त रख दिली कि आज जनाता की हमारे लड़की कुमारे रह जाये वही बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी पहुंचल हम। श्री रामचंद्र जी आप अपने गुरु का आशीष लेके आशीर्वाद लेके जब चल हम तो भेज का भैया अरे पाई के आशीष राम धनु उठाए हर सिद्ध सिया भैया हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने गुरु का आशीर्वाद लेके जब चलल हवन धनुषिया पर जब हाथ लगोला धनुषिया खंड खंड हो। जब धनुष को ले सीता जी ने अपन लेके जयमाल भगवान राम के गले में डले है वही भगवान राम के शादी भइल बा और वही चारों भैया के शादी भइल अंतिम का नाम बा। अरे गुरुवर बिहारी रमन स्वर्ग में गाइए अपने बाहर आके छोड़ दिया।